सवाल ये कि बीजेपी सरकार एक बार फिर से हरियाणा में बनने जा रही है, तीसरी बार हैट्रिक लगाती हुई, इस बात की पुष्टि वोटर्स ने कर दी है, मतदाताओं ने कर दी है। अब कांग्रेस कहीं ना कहीं जो नतीजे आ रहे हैं उनसे निराशा कांग्रेस खेमे में है। सवाल यह कि तमाम धुआंधार रैलियां हुई, धुआंधार प्रचार हुए, तमाम दिग्गज कांग्रेस के बीजेपी के हरियाणा के रण में देखे गए, विजय संकल्प यात्रा राहुल गांधी ने की और जनता के बीच कनेक्ट होने की कोशिश की, लेकिन अब सवाल ये कि जनता ने उन तमाम वादों को जो दावे कांग्रेस के द्वारा किए गए थे उन्हें नकार दिया है, बीजेपी पर भरोसा जताया, तीसरी बार हैट्रिक लगाती हुई। सवाल ये कि आखिर खामियां कहां थी कांग्रेस के द्वारा, चर्चा में हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं, चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। देवेंद्र, जो रणनीति बनाई जा रही है और जो परिणाम देखने को मिल रहे हैं, अब सवाल ये कि कांग्रेस की कमी कहां रह गई? आखिर कुछ सीटें ऐसी हैं, जाटलैंड की बात करें, हुड्डा फैक्टर की बात करें, तो वो भी उस पर भी बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी है। देखिए सौरभ, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की बात करें जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं और मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, ये कहा जा रहा था कि इनके दम पे कांग्रेस सत्ता में आ रही है, एग्जिट पोल में भी यही था और हवा भी ऐसी चल रही, लेकिन जो परिणाम आया है उन्होंने सन कर दिया मेरे पास हुड्डा फैमिली को भी और कांग्रेस को भी। मेरे पास ऐसी 15 लोगों की लिस्ट है जो पहले विधायक थे, लगातार हारे हैं 15 जो दूसरी बार जीत सकते थे। इनमें आपको बताता हूं, जो विधायक थे और जो दोबारा जीतने की कोशिश में थे, लगता भी था जिस तरीके से हवा, लेकिन हार गए। इनके नाम ये हैं जी, देखिए डबवाली से अमित सिहाग चुनाव हारे हैं, उम्मीद लग रही थी जीतेंगे। कालका से प्रदीप चौधरी हारे हैं, असंत से शमशेर गोगी जिन्होंने बयान दिया था कि पहले अपना घर भरेंगे। उसके अलावा रेवाड़ी से राव चिरंजीव हार गए, महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह जो लोकसभा चुनाव हारे थे वो अब विधानसभा हार गए हैं। फरीदाबाद एनआईटी से नीरज शर्मा थे, चर्चा में रहे थे जब वो कपड़े उस तरह के पहन के विधानसभा में गए थे, चर्चित हुए थे, और भूपेंद्र हुड्डा ने तब जब पुलिस गिरफ्तार करी थी भूपेंद्र हुड्डा ने उनको छुड़ाया। बहादुरगढ़ से राजेंद्र जून चुनाव हारे हैं, गोहाना से जगबीर मलिक जो हैट्रिक थी, जो तीन बार जीते थे चौथी बार जीते वो हार चुके हैं। सोनीपत से सुरेंद्र पवार जिनके खिलाफ ईडी केसेस हैं उनको टिकट दिया गया, जमानत मिली, जमानत से जेल से छूट कर आए, चुनाव लड़े थे, हार गए। खरखोदा से जयवीर वाल्मीकि तीन बार जीते हुए थे चौथी बार हार गए। सफीदों से सुभाष गांगुली उनकी उम्मीद थी जीतेंगे, हार गए। रादौर से बिशनलाल सैनी विधायक थे कांग्रेस के, हार गए। लाडवा से मेवा सिंह जो नायब सिंह सैनी को टक्कर दे रहे थे, कह रहे थे कि मैं चुनाव जीतूंगा, मुख्यमंत्री को हराऊंगा, वो खुद हार गए। और समालखा से धर्म सिंह छोकर बड़ा चेहरा था, मनमोहन भड़ाना जो फरीदाबाद से आके समालखा में लड़े वो चुनाव हार गए। इसराना से 15वां नंबर ये है जो 15 विधायक थे वो हारे, उनमें बलवीर सिंह वाल्मीकि जिनको कृष्ण पवार बीजेपी उम्मीदवार ने इसराना पानीपत से हराया है। 2019 में 31 विधायक जीते थे कांग्रेस के, उनमें से वरुण मुलाना संसद में चलेंगे, लोकसभा चुनाव अंबाला से लड़ा, और किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई ये दोनों पार्टी छोड़ गए, 28 कांग्रेस के एमएलए रह गए। इनमें 28 कांग्रेस के एमएलए को टिकट दिए गए सभी को, और 15 कांग्रेस के जिनके नाम मैंने लिए जो जीतने की क्षमता भी थी और जिनको टिकट दिए गए वो हार गए। 13 कांग्रेस के एमएलए जीते हैं 28 में, जिनको टिकट जीती 15 हार गए हैं, और आधे से ज्यादा कांग्रेस के एमएलए चुनाव हारे हैं, मतलब 13 जीते 15 हारे हैं। और बड़ौदा से इंदुराज नरवाल जो भूपेंद्र हुड्डा के, इंदुराज नरवाल को टिकट दिया गया, भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा ने बड़ौदा से उपचुनाव में उनको जितवाया था वो हार गए। पुनाना से मोहम्मद इलियास जीते हैं वो, और नू से आफताब अहमद फिर जीते हैं, और फिरोजपुर झिरका से मामन खान जीते हैं। तो कांग्रेस के जो जिन 28 को टिकट दे गए थे 15 ज्यादातर चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस की जो टैली है नीचे आई उसकी वजह यह भी है कि 15 चुनाव हार गए, और अब मेरे को लगता है कि शायद कांग्रेस को भी लगे 28 चेहरे जो विधायक थे सिटिंग एमएलए उनको टिकट दिया गया। इसका विरोध भी हुआ था, विरोध हुआ था कि भूपेंद्र हुड्डा ने अपने साथियों को जो उनके विश्वास पत्र उनको टिकट दे दिया लेकिन जीतने की क्षमता उनमें कम है। वही बात हुई, 28 विधायक जो मौजूदा थे उनमें से 15 हारे हैं 13 जीते हैं, मतलब 50% से ज्यादा हार गए। और कांग्रेस की जो टैली नीचे आई है, जो ये गिरावट आई है, जो आंकड़े दिख रहे थे, जो माना जा रहा था उससे कांग्रेस काफी नीचे आई, और बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है और शानदार तरीके से, जितना दबाव
बीजेपी के नेताओं में था, हम देख रहे मुख्यमंत्री की बॉडी लैंग्वेज को समझ रहे थे कि स्थिति ज्यादा ठीक नहीं बिल्कुल थी। इसी वजह से कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं हाईकमान के, उन्होंने हरियाणा में लगातार दौरे किए, रणनीति बनाकर किए, संगठन को अंदर खाते जो कमियां थी, जो मैं कह रहा हूं कि अगर जाट लामबंद हुए थे तो नॉन जाट को अंदर खाते अपने पक्ष में करने की कोशिशें हुई, ये बताया गया उनके थ्रू पब्लिक को, दुकानों में, बाजारों में, घरों में, पार्कों में, कि 10 साल पहले कांग्रेस की जो सरकार थी, जो जिस तरह का वातावरण था, क्या उस तरह का वातावरण आप चाहते हो? व्यापारियों को ये समझाई गई बात। और मेरे को याद है चुनाव से 2-3 दिन पहले यहाँ प्रमोद विज महिपाल ढांडा की एक बड़ी सभा हुई थी, उसमें भी ये बात प्रमोद विज ने खुलकर कही थी कि आप 10 साल पहले वाला माहौल चाहते हैं जहां व्यापारी को डर के रहना पड़े, गांव में कमजोर लोगों को, दलितों को डर के रहना पड़े, वो अपना मुंह ना खोल सके, घुट कर जिए। तो इस तरह के जज्बात जाहिर करके मेरे को लगता है माहौल को बदला गया। ये पब्लिकली नहीं हुआ, कम हुआ है, लेकिन मैन टू मैन बाजारों में, पार्कों में, घरों में, देवेंद्र, देवेंद्र इस बीच, एक बीजेपी ने अंदर खाते रणनीति चली थी और वो काम आ गई। बिल्कुल, इस बीच बड़ौदा से इंदुलाल बरवाल भी जीते हैं, उनकी जो रणनीति थी पार्टी के बीच, उनकी जो पूछ थी और जनता के बीच उनकी जो पैठ थी, उस पर भी थोड़ा सा आप बताएं कि उनकी जीत को किस तरह से देखा जाए। देवेंद्र जी, जी सौरभ सवाल दोहराए अपना। बड़ौदा से इंदुलाल बरवाल जीते हैं, उनकी जीत को किस तरह से देखा जाए? देवेंद्र आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है सौरभ मेरे को। चलिए देवेंद्र, सवाल मेरा यह है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, बड़ौदा से इंदुलाल बरवाल जीते हैं, उनकी जीत, जनता के बीच में उनकी पैठ, पार्टी में उनकी पूछ, वो उसको श्रेय दिया जाए या फिर कुछ और कारण हम जिन पर आकलन कर सकते हैं, जिन पर विचार किया जा सकता है कि हाँ ये कारण रहे उनकी जीत के? देखिए जीत के कारण मैं ये कहता हूं, जैसे उपचुनाव में जीते थे इंदुराज, इंदुराज जीते थे उपचुनाव, वो भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा की देन थी, क्योंकि उन्होंने वो दरअसल जाट बाहुल क्षेत्र है बड़ौदा, उपचुनाव था, कृष्ण हुड्डा यहाँ से थे, कृष्ण हुड्डा वो शख्स थे, वो नेता थे जिन्होंने भूपेंद्र सिंह 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो वो सांसद थे। कृष्ण हुड्डा ने अपनी सीट छोड़ी थी बड़ौदा में भूपेंद्र हुड्डा के लिए, चूंकि वो सांसद से उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तो 6 महीने के अंदर उनको सदस्य बनना था, तो बड़ौदा वही सीट थी जहां कृष्ण हुड्डा का निधन हो गया। उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा चूंकि सीएम बन चुके थे, उन्होंने इंदुराज नरवाल को वहां से लड़वाया। इंदुराज आरती की दुकान करते हैं बड़ौदा में, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था, मेरे को बहुत सामान्य व्यक्ति लगे, लेकिन टिकट चूंकि भूपेंद्र दीपेंद्र हुड्डा चाहते थे, उनके विश्वास पात्र थे, उन्होंने टिकट दिलवाई और उनको जितवाया भी। अब फिर इंदुराज नरवाल जीतने के बाद भूपेंद्र दीपेंद्र हुड्डा के साथ लगे रहे, विश्वास पात्र थे, उनको अपना नेता मानते थे, तो जो लॉयल्टी थी उनके प्रति, मेरे को लगता है दोबारा से टिकट दी गई इंदुराज नरवाल को, के अपने जो भरोसेमंद लोग हैं, विश्वास पात्र जो है, उनको साथ रखा जाए। भूपेंद्र हुड्डा की खासियत है जो उनके प्रति लॉयल रहता है उसको वो भूलते नहीं है, और उसका उसको उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करते हैं भूपेंद्र हुड्डा, उसका एहसान उतारते हैं। ये भूपेंद्र हुड्डा के बारे में, वो इंदुराज नरवाल इसी का उदाहरण है कि वो चुनाव जीत गए। महेश, आरक्षण खत्म करने की बयानबाजी, राहुल गांधी में उनका असर कहीं ना कहीं देखने को मिला, हरियाणा की सियासत में कहीं ना कहीं देखने को मिला आरक्षण खत्म करने का, कांग्रेस को जो नुकसान हमने देखा, जो परिणामों में तब्दील होता नजर आया, उसमें भी कहीं ना कहीं देखने को मिला, वो एक वजह थी या फिर विनेश फोगाट को मुद्दा बनाकर? हालांकि विनेश फोगाट ने जीत जरूर दर्ज की है जुलाना से, लेकिन कांग्रेस ने राजनीतिकरण किया था एक खिलाड़ी का, क्या जनता को ये पसंद नहीं आया कहा जा सकता है? उसके वजह से ये परिणाम जो परिवर्तित हुए और देखने को भी मिले। देखिए कांग्रेस ने एक खिलाड़ी को चुनाव मैदान में उतरा, ये कोई राजनीतिकरण नहीं था, और ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ। योगेश्वर दत्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतारे गए थे, ऐसे ऐसा शायद ही कोई चुनाव हो जब किसी खिलाड़ी को ना उतारा गया, और एन मौके पर इस तरह के खिलाड़ियों को लाया जाता है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में खिलाड़ियों की एक अलग पहचान है, एक अलग सम्मान है। तो ऐसे में विनेश को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारना, ये कोई कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं थी। कांग्रेस पार्टी की गलती दरअसल जो अब हम आकलन कर पा रहे हैं, जो
तस्वीर को अगर रेफर बैक करके अगर समझने की कोशिश की जाए तो आखिर क्या हुआ होगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगले सीएम बनने जा रहे हैं, ये इतना ज्यादा प्रचारित कर दिया गया कि कहीं एक जो दबा कुचला वर्ग है, अनुसूचित वर्ग आप कह सकते हैं, ओबीसी वर्ग आप कह सकते हैं, उन्हें कहीं ये लगने लगा कि एक बार फिर से वर्चस्व जो है एक जाति विशेष का होने वाला है, एक जाति विशेष से हरियाणा प्रदेश में अपनी सत्ता को काबिज कर उसी पर अधिकार कर लेंगे और उनकी जो परिस्थितियां और ज्यादा खराब हो सकती है, ये कहीं ना कहीं डर पैदा कर दिया गया। और बार बार कांग्रेस पार्टी ने भी लगातार यही बात कही कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो कार्यकाल है वैसा ही एक बार फिर से आपको देखने को मिलेगा, तो ऐसे में यहां सबसे बड़ी गलती होगी। उससे भी बड़ी गलती का कि कुमारी शैलजा को आखिरी दिन आखिरी मिनट तक दो टिकट के लिए अटकाए रखना, दो टिकट नारनों दो रुकलाना, दोनों सीटों पर कुमारी शैलजा आशीर्वाद दे चुकी थी डॉक्टर अजय चौधरी को, एक और सीट पर चुनाव मैदान में अपने परिवार के सदस्य को उतारना चाहती थी जी। लोकसभा में पांच सीटें जो निकली उसमें गारंटी वाला वोट डाला था, एक जाट वोटर, दूसरा अनुसूचित जाति का एक खास वर्ग जो कि सबसे बड़ा वर्ग माना जाता है जिसे संबंध रखती है कुमारी शैलजा, वो वोट गारंटी वाला वोट था जिसने पांच सीटें लोकसभा में जितवाई, लेकिन गारंटी वाला वोट गारंटी से खत्म हुआ क्योंकि कुमारी शैलजा की हालत देखकर यह लगा कि उन्हें दो टिकट नहीं मिल रही, राज्य में हिस्सेदारी क्या मिलेगी, मुख्यमंत्री ये क्या बनाएंगे जब दो टिकटें उन्हें नहीं दे रहे हैं और आखिरी दिन आखिरी तीन घंटे पहले तक जो है उस टिकट का फैसला नहीं किया जा रहा जो कि कुमारी शैलजा मांग रही है। उसके बाद एक खास तरह का वीडियो भी सामने आया जो कि जातिगत टिप्पणी की गई थी कुमारी शैलजा पर, उस को लेकर भी मुझे लगता है कि हालांकि नानोंद सेंट्रिक उसे रखने की कोशिश की गई लेकिन 90 सीटों पर उसका असर देखने को मिला। अब वो असर वो नुकसान क्या रहा होगा उसका अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि अनुसूचित जाति के लोग जो खुलकर कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े थे विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में नजर आए, जाट गैर जाट सबसे बड़ा मुद्दा बन गया क्योंकि आपने एक नेता विशेष को सामने रख दिया और कुमारी शैलजा को दरकिनार कर दिया, जबकि कांग्रेस पार्टी अगर समझदारी से पूरे कैंपेन को आगे बढ़ाती तो दोनों नेताओं को बराबर रखती और आखिरी दो टिकट जिनको लेकर मैं संग्राम का जिक्र कर रहा हूं वो खाली जो है कुमारी शैलजा के हाथ में देने चाहिए थे, उसमें नाम कुमारी शैलजा अपनी पसंद का भर ले, ये प्राथमिकता उन्हें मिलनी चाहिए थी, तब अनुसूचित जाति के लोगों को लगता कि हमारी सत्ता में भागीदारी आने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया जिसका खामियाजा अब सरकार नहीं आने के रूप में कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ रहा है। महेश सर, जो परिणाम हैं और जो देखने को मिल रहे हैं कांग्रेस की हार की समीक्षा करें और जो कई सीटें ऐसी जहां पर टफ फाइट रही, चाहे हुड्डा फैक्टर की बात करें, जाट फैक्टर की बात करें या फिर शहरी इलाकों की बात करें, ग्रामीण इलाकों की बात करें, हरियाणा में कई जगह चुनौतियां भी देखने को मिली हैं कहीं ना कहीं। अब सवाल ये कि इतनी टफ फाइट होगी और कांग्रेस इतनी पीछे रह जाएगी, इसका आकलन किया गया था कांग्रेस के द्वारा? महेश सर, महेश सर क्या मुझसे कहें जी? अच्छा हाँ, नहीं मैं इससे पहले एक चीज आपको और अच्छी बतलाऊं कि जो बहुत ही वायरल हो रही है जी और सोनी जी की नजर चाहता हूं मैं इसमें जी। ये लालसा देखिए तो हजूर देखते देखते क्या हो गई थी, आंधी से सुनामी की उम्मीद लो हवा भी हवा हो गई, कितनी शिद्दत से देखे थे ख्वाब ताबीर जिसकी फना हो गई, कितनी हसरत से बेसन बरत छान कर शीरीन करने गए, वो कहते चाशनी करने गए, गोल गोल घूमी और आखिरन जलेबी जलेबा हो गई। ये वायरल ट्वीट पे, ये ट्विटर पे हरियाणा इलेक्शन पे बहुत वायरल हो रहा है, तो मैंने कहा सोनी जी हमारे पुराने आदमी हैं, इन चीजों के शौकीन है, उर्दू दावी हैं, तो इस बात को आप देखिए कि ये जलेबी का जो है सारे हिंदुस्तान भर में ये हो गया कि जलेबी एक्सपोर्ट होती है, जलेबी एक्सपोर्ट होती है, भाई जलेबी हम सब जानते हैं कि दो तीन घंटे भी नहीं चल पाती, तो इस टाइप की जो चीज़ें इलेक्शन में होती रही और हरियाणा में तो मजाक का मिजाज भी है, कोई बुरी बात नहीं थी, होते रहते हैं ये सब चीज़ें। लेकिन जो सवाल आपने क्या पूछा था, क्या क्या पूछा था? जो रिजल्ट आए हैं कांग्रेस ने जो समीक्षा करनी है अब हार पर की क्या वजह रही है, जो फाइट जो है टफ रही है, जाट फैक्टर की बात करें, हुड्डा फैक्टर की बात करें या फिर तमाम शहरी इलाकों की बात करें, ग्रामीण इलाकों की बात करें, इस बार टफ फाइट देखने को मिली, क्या ये अंदेशा था? देखिए ये जो है ना उत्तर प्रदेश का जो असेंबली इलेक्शन हुआ उसमें बावजूद सब कुछ होने के बीजेपी के उस टाइम तो पूरी पावर थी, बीजेपी इलेक्शन हारने पर तैयार थी योगी जी की,
योगी जी की अपनी छवि बहुत अच्छी है, ईमानदार है, लेकिन वो जो हीरो का ये हुआ कि भैया की सरकार आ रही है, उससे लोग डर गए। मैं फरुखाबाद गया था, लोग बोले साहब ये जो मुसलमानों हीरो ने मिलकर थानेदार को उठा के हमें गाली बकते थे जी। और ये साहब हम भूखे रह लेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रह लेंगे। मैंने आके क्या, मैंने कहा ये इलेक्शन गया और इस इलेक्शन को योगी जी जीत जाएंगे। वही हरियाणा में हुआ जी। पार्लियामेंट इलेक्शन में मेरा एनालिसिस ये कि बीजेपी को 2 सीट से ज्यादा नहीं आनी थी। जाटों का एग्रेसिवनेस देख के वो 2 सीट की जगह 2 से 5 हो गई, इज्जत बच गई, वरना 2 आती तो बात ही खत्म हो जाती। बिल्कुल। लेकिन वो अब जो एग्रेसिवनेस था वो शुरू में शायद एग्रेसिवनेस जो है वो नहीं दिखाई दिया, लेकिन बाद में हो गया। ये एग्रेसिवनेस उत्तर प्रदेश के, अगर मुसलमानों का एग्रेसिवनेस इस इलेक्शन में नहीं दिखाई दिया लोकसभा वाले में, तो बीजेपी की रह गई 33 सीट। अगर वो एग्रेसिवनेस दिखाई देता तो इनकी आती 50-55 सीट, क्योंकि वो बूम रैंक कर जाता है। आज मैं सुबह से एक बात कह रहा था कि ये इलेक्शन बीजेपी ने नहीं जीता है, ये इलेक्शन तो कांग्रेस ने हारा है जी। ये इलेक्शन तो कांग्रेस को मिल गया था। वो जो अभी महेश जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि वो एक जो प्रचार कर दिया हुड्डा की सरकार आ रही है, ऐसे उत्तर प्रदेश में हुआ भैया की सरकार आ रही है, तो यहाँ भैया की सरकार ले लो। एक एग्रेसिवनेस तो कम्युनिटी में था, अब वो सब लामबंद हो गए। उस लामबंद का रिएक्शन हुआ, रिएक्शन में ये हुआ कि वो जो बाकी गैर थे वो भी लामबंद हो गए। जैसे मैंने इससे पहले बतला, आप पूरा फरीदाबाद बेल्ट का देखिए, सोनी जी को तो एक एक सीट का हाथ पे इनके इलम है, इनको जानकारी है, पूरी की पूरी बेल्ट की बेल्ट साफ साफ हो गई। तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि आज ये हालत आ गई कि इस प्रदेश पे इसलिए भी निगाह थी कि प्रदेश जो होते हैं वो सेंटर की सरकार और पार्टी चलाने के लिए पैसे भी देते हैं जी। और हरियाणा के अंदर क्योंकि इंडस्ट्री है, गुड़गांवा सारा इंडस्ट्रियल है, तो वो पार्टी चलाने के लिए या पार्टी नेताओं के घर चलाने के लिए जो खर्चा चाहिए था, आज हरियाणा की GDP पंजाब से भी ज्यादा है जी। क्योंकि इंडस्ट्री तो यहाँ है पूरी, वो इंडस्ट्री चाहे एक ही बेल्ट में है, पानीपत में है, ये 2-3 बेल्ट है, लेकिन पैसा तो बहुत है। तो पैसा स्टेट गवर्नमेंट इकट्ठा करती है। अब हिमाचल की तो गवर्नमेंट पे पैसा है नहीं, ठीक है। जो हिमाचल तो छोटी सी है उस पे पैसा हो। बिल्कुल। तो एक कांग्रेस को ये भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि आगे आने वाले इलेक्शन में एक सोर्स ऑफ इनकम जो है वो ड्राई हो गया। बिल्कुल। वीरेन जी मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक पैनलिस्ट और जुड़े हुए हैं स्टूडियो से ही हैं। सर जो आंकड़े देखने को मिले हैं, लास्ट रिएक्शन में आपसे लेना चाहूंगा कि किस तरीके से इन आंकड़ों को देखा जाए। राजकुमार जी हमारे साथ हैं, सबसे पहले तो वह स्वागत है सर। अब परिणामों को किस तरीके से देखा जाए, क्या कांग्रेस में कुछ खामी रह गई, क्या बीजेपी ने तैयारियां पूरी की थी या फिर क्या था? देखिए जिस तरह के एग्जिट पोल आ रहे थे उसके उलट आंकड़े हैं, तो ये अगर कोई कहता है कि उसको आंकड़ों का पहले से आभास था तो मुझे लगता है गलत है, वो रियलिस्टिक नहीं है या सच को स्वीकार नहीं कर जी। दूसरी बात, एक बार फिर यह साबित हो गया कि कांग्रेस जीती हुई बाजी हारने में माहिर है और बीजेपी हारी हुई बाजी जीतने में कोई कसर बाकी छोड़ती नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा के चुनाव में, लोकसभा चुनाव के बाद से हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का एज था। अगर वो एज उस समय था अप्रैल से जून के बीच, तो कायदे से वो बढ़ना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने वो अपनी बढ़त धीरे धीरे अपने ही कामों से, अपने ही फैसलों से गंवा दी जी। और बीजेपी ने उस झटके से सही सबक लेके जहाँ जहाँ उसको कमियाँ लगी, लूपोल्स लगे, उनको फिल किया और उन जटिल चुनौतियों के बीच से कैसे जीत का रास्ता बनाया जा सकता है वो सारे काम किए। फॉर एग्जाम्पल, वर्कर्स का मनोबल जो एकदम नीचे चला गया था उसको उठाया, संगठन को फिर से सक्रिय किया बिल्कुल, जो लगभग निष्क्रिय नजर आ रहा था, और संघ ने भी कमान संभाली और सीधा सीधा संदेश ये दिया गया कि चाहे वोट परसेंटेज की बात कर लें, उसमें बीजेपी 5 सीटें हारने के बावजूद कांग्रेस से थोड़ा आगे थी बिल्कुल, और अगर असेंबली सेगमेंट्स की बात कर लें तो असेंबली सेगमेंट से बीजेपी 44 में आगे थी, कांग्रेस 42 में आगे थी। तो ये समझाया गया कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है जी, हमें अपने पे भरोसा रखना है, अपने काम पे भरोसा रखना है और जुट जाना है बिल्कुल। दूसरा, जो एंटी इनकम्बेंसी की बात थी 10 साल की, वो बड़ी स्वाभाविक है, होती है किसी भी सरकार के साथ बिल्कुल, उसको कैसे डाइल्यूट किया जाए या मिनिमाइज किया जाए वो तब होता है जब आपका जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट है वो डिवाइड हो जाए। उसमें INDBSP गठबंधन,
जेजेपी एएसपी गठबंधन और आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने से कांग्रेस का इनकार, इन चीजों ने मददगार की भूमिका बीजेपी के लिए चाहे अनचाहे निभा दी। दूसरी ओर कांग्रेस 5 सीटें जीतने के बाद ऐसा हवा में उड़ी कि उसने इंडिया अलायंस, जो राहुल गांधी ने इच्छा भी जताई थी कि हमें एसपी को भी साथ रखना चाहिए, आपको भी रखना चाहिए, सीपीएम को भी रखना चाहिए, तो उस इच्छा को कांग्रेस के जो हरियाणा के छत्रप थे उन्होंने ऐसा हवा में उड़ा दिया कि सीपीएम, जिसका पिछले कई दशक से हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है, उसके लिए एक सीट छोड़ दी गई। लेकिन आम आदमी पार्टी से कोई अलायंस नहीं किया, समाजवादी पार्टी से नहीं किया, जो यादव बेल्ट में थोड़ा बहुत असर डाल सकती थी। तो कांग्रेस ने अलायंस तो दूर, आपस में भी एकता की तस्वीर पेश नहीं की, जैसा अभी माहेश्वरी जी ने भी कहा, बाकी पहले भी बात हो रही थी। शैलजा नाराज दिखी, नाराजगी के कारण बहुत जग जाहिर है, अगर सबको साथ लेके नहीं चला जाएगा, सबकी भागीदारी नहीं होगी फैसलों में, तो फिर वो अलगाव दिखता है। अगर कांग्रेस एकजुट नहीं हुई तो अलायंस की बात तो बहुत दूर की बात है। तो मुझे लगता है कि इस हार के लिए सिर्फ और कांग्रेस जिम्मेदार है, और इससे आने वाले वक्त में कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ेंगी।